वैसे देखो यहाँ पे छोटे से एक नाग देवता है, और देखो यहाँ पे भी एक है, और इसमें भी बहुत सारे हैं जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बाबा इंदी व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे जाने वाला है जो कि आपको कुछ अजीब लगेगा, मतलब कि खेतला आपा मंदिर। खेतला बापा का जो मंदिर है, वीर खेतले आपा का मंदिर है, वहाँ पे क्या है कि एक दो तीन चार नहीं लेकिन बहुत सारे सांप यूं ही खुले में रहते हैं और किसी को नहीं काटते या कुछ भी नहीं करते हैं, सबकी श्रद्धा। वो बहुत छोटा सा गाँव है लेकिन हम जाएंगे वहाँ पे, क्या है रियल में है भी या नहीं भी तो दिखाएंगे हम आपको सब कुछ। तो बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए चलिए। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ खेतला बापा के मंदिर पे। तो अभी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वही मंदिर है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने नाग देवता है, मतलब सांप कितने हैं, वो खुलेआम ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे देखो यहाँ पे छोटे से एक नाग देवता है, अभी हिल रहा है, मतलब जीवित है अभी। देखो कोई भ्रम नहीं है। और देखो यहाँ पे भी एक है, और इसमें भी बहुत सारे हैं जो कि कैमरे में नहीं दिखाई देते लेकिन हम देखते हैं तो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मंदिर है और यहाँ पे जो है वो मेन मंदिर है, और ये उनको रहने के लिए घर बना दिया गया है। और आपको शायद कैमरे में नहीं दिखाई देता होगा लेकिन इसमें है, कई पूंछ दिखती है तो कई सर दिखता है इसके अंदर है। ये देखो पूरा बार है, और यहाँ पे भी एक है जो कि आपको नहीं दिखाई देता होगा लेकिन बनाया हुआ है, जो कि माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे रात को ना नाग देवता दूध पीने आते हैं और श्रद्धा के कारण वो पी भी जाते हैं। यहाँ पे भी उनके रहने के लिए घर बनाया गया है और एक घर यहाँ पे भी बनाया है।
दोस्तों खेतला बापा का मंदिर जो है वो कड़ू का छोटा सा गांव है उसके बीच में है, और राजकोट से करीब 70 किलोमीटर की आसपास लगभग दूरी है यहाँ पे। और चोटीला जो कि सुरेंद्रनगर हाईवे से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे प्राइवेट वाहन भी आते हैं और अपना खुद का व्हीकल लेके भी आ सकते हो। यहाँ पे प्रसाद पूरे दिन 24 कलाक शुरू होता है मंदिर। और इसके इतिहास की बात करें अगर, तो यहाँ पे करीब 400 साल पहले यहाँ के जो पुजारी थे उसको खेतला अपने दर्शन दिए थे, और आज भी साक्षात यहाँ देखने को मिलते हैं। कई बार भगत का जो कहना है वो है कि कई बार यहाँ पे 100 200 300 इतने सारे सांप नाग होते हैं, तो कई बार संभल के पैर रखना पड़ता है कि कहीं पैर में ही ना आ जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी अंदर। तो ठंड की वजह से अभी तो बहुत कम है, लेकिन कई बार बहुत सारे हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक बार आप ज़रूर आना यहाँ पे और खेतला बापा का दर्शन करना मत भूलना। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो भी कुछ अमेजिंग ही आने वाला होगा, तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।